तस्वीरां तुहानू लगातार दिखा रहे हैं। यह तस्वीरां ने डेरा बाबा नानक दियां, जिस ढंग दे नाल इत्थे शरधालू जिहड़े ने ओह वड्डी गिणती दे विच पहुंचे ने, दर्शन कर रहे ने। और जेकर गल करिए दर्शनां दा सुभाग्य लै रहे ने राघव चड्ढा जिहड़े ने, उहनां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। चड्ढा साहब, अज गुरुपुरब का पावन दिहाड़ा और तुसी भी दर्शन करन लई इस पावन स्थान ते पहुंचे हो, बाबे नानक दिया नगरी जिथे बाबे नानक ने खेती भी कीती सी। बहुत वड्डा दिन है जी, और आज आम आदमी पार्टी का वफद श्री करतार साहब जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमने अर्जियां भी लगाई लेकिन सियासत कारणों से अर्जी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है, आज हमने मत्था टेका है। गुरु महाराज के दरबार तक नहीं जा पाए, लेकिन दरबार से कुछ किलोमीटर दूर इस करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ मत्था टेका है। बस परमात्मा से, गुरु महाराज से पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास करी। आज रहमत हुई है बाबे नानक दी, खेती कानून जड़े ने और रद्द करने का फैसला भी ले लिया प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी रहमत है, और ये फैसले का सारा श्रेय किसानों नू जांदा है। प्राइम मिनिस्टर नू नहीं, बीजेपी नू नहीं, फार्मर्स देश दा किसान, सारा क्रेडिट उन्हां दा है। लेकिन राघव जी, थोनू लगदा नहीं देरी बहुत करती, नुकसान बहुत करता किसानों दा? बहुत देरी करी, बहुत नुकसान किया। 700-750 किसान शहीद हो गए, न जाने कितने लोग बेघर हो गए। बहुत संघर्ष किया, और ये फैसला अगर 11 महीने 10 महीने पहले हो जाता तो न जाने कितने परिवार उजड़ने से बच सकते थे। लेकिन अब फैसला जो आया है, इसकी वाहवाही के, इसकी शाबाशी के, इसकी बधाई के हकदार सिर्फ किसान है। भाजपा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, सिर्फ देश का किसान। यानी इस मसले के ऊपर क्रेडिट लेके जड़ी अपनी सियासी जमीन है वो तलाशने की कोशिश ना करे बीजेपी? 750 किसान शहीद हो गए, इनके मंत्रियों ने किसान को गाड़ी के नीचे रोंद कर मार दिया, जैसे मक्खी मच्छर को मसल के मारते हैं ऐसे मसल के मार दिया। ऐसे लोगों की क्या सियासी जमीन और क्या पॉलिटिकल फायदे। लेकिन आज सियासत में है, आज वो सत्ता में है। किसान कानून, काले कानून केवल मोदी खारिज कर सकते थे, आज उन्होंने खारिज कर दिए हैं। तो किसान को बधाई देता हूं और किसान इस वाहवाही का। लेकिन बीजेपी ने इसी मसले को लेके 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं पंजाब दी। उनके नेताओं को, उनके पन्ना प्रमुख को पिंडों में नहीं जाने दे रहे, लोग उन्हें छितर मार रहे हैं। ऐसी पार्टी का क्या भविष्य पंजाब में? एक आखिरी सवाल, थोड़ी पार्टी दे विच भी काफ़ी कुछ वेखण नू मिल रहा है, विधायक जा रहे ने, कहिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा वह नहीं ऐलाना जा रहा है, तक कह रहे हैं कि सारी कमांड दिल्ली वाले ने अपने हाथ च ले ली, पंजाबियों के हाथ कुछ नहीं छड्डिया। जिसकी दिल्ली वाले पंजाबी हैं। दूजी गल, जितने भी MLAs जिनकी टिकट काट दी गई, उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो किसी और पार्टी में जाएंगे। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब को, कि जो जो MLAs हमें छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं, सबको टिकट देना, सबको कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ाना। और अगर आप इलेक्शन लड़ाएंगे उनको तो बहुत अच्छी बात है, तब आप अपने वचन पर, अपने वादे पे खड़े उतरेंगे। सबको टिकट देना जो जो छोड़ के गया आम आदमी पार्टी। मंत्री का चेहरा कब ऐलान कर रहे हैं? बहुत जल्दी करेंगे, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है ये, अनाउंसमेंट कब करनी है। बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, बहुत लेट भी नहीं करनी चाहिए, सही समय पे अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, सही समय पे अनाउंसमेंट होगी। इस तरह की गल राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए ने, तो तस्वीरां तुहानू लगातार दिखा रहे हैं। यह तस्वीरां ने डेरा बाबा नानक दियां, जिस ढंग दे नाल इत्थे शरधालू जिहड़े ने ओह वड्डी गिणती दे विच पहुंचे ने, दर्शन कर रहे ने। और जेकर गल करिए दर्शनां दा सुभाग्य लै रहे ने राघव चड्ढा जिहड़े ने, उहनां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। चड्ढा साहब, अज गुरुपुरब का पावन दिहाड़ा और तुसी भी दर्शन करन लई इस पावन स्थान ते पहुंचे हो, बाबे नानक दिया नगरी जिथे बाबे नानक ने खेती भी कीती सी। बहुत वड्डा दिन है जी, और आज आम आदमी पार्टी का वफद श्री करतार साहब जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमने अर्जियां भी लगाई लेकिन सियासत कारणों से अर्जी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है, आज हमने मत्था टेका है। गुरु महाराज के दरबार तक नहीं जा पाए, लेकिन दरबार से कुछ किलोमीटर दूर इस करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ मत्था टेका है। बस परमात्मा से, गुरु महाराज से पंजाब की खुशहाली के लिए अरदास करी। आज रहमत हुई है बाबे नानक दी, खेती कानून जड़े ने और रद्द करने का फैसला भी ले लिया प्रधानमंत्री। बहुत बड़ी रहमत है, और ये फैसले का सारा श्रेय किसानों को जाता है। प्राइम मिनिस्टर नू नहीं, बीजेपी नू नहीं,
फार्मर्स, देश का किसान, सारा क्रेडिट उन्हों का है। लेकिन राघव जी थोड़ा लगता नहीं देरी बहुत करती, नुकसान बहुत करता किसानों का? बहुत देरी करी, बहुत नुकसान किया, 700-750 किसान शहीद हो गए, न जाने कितने लोग बेघर हो गए, बहुत संघर्ष किया। और ये फैसला अगर 11 महीने 10 महीने पहले हो जाता तो न जाने कितने परिवार उजड़ने से बच सकते थे। लेकिन अब फैसला जो आया है इसकी वाहवाही के, इसकी शाबाशी के, इसकी बधाई के हकदार सिर्फ किसान है, भाजपा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, सिर्फ देश का किसान। यानी इस मसले के ऊपर क्रेडिट लेके जड़ी अपनी सियासी जमीन है वो तलाशने की कोशिश ना करे बीजेपी? 750 किसान शहीद हो गए, इनके मंत्रियों ने किसान को गाड़ी के नीचे रोंद कर मार दिया, जैसे मक्खी मच्छर को मसल के मारते हैं ऐसे मसल के मार दिया। ऐसे लोगों की क्या सियासी जमीन और क्या पॉलिटिकल फायदे। लेकिन आज सियासत में है, आज वो सत्ता में है। किसान कानून, काले कानून केवल मोदी खारिज कर सकते थे, आज उन्होंने खारिज कर दिए हैं, तो किसान को बधाई देता हूं और किसान इस वाहवाही का। लेकिन बीजेपी ने इसी मसले को लेके 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं पंजाब दिया। उनके नेताओं को, उनके पन्ना प्रमुख को पिंडों में नहीं जाने दे रहे, लोग उन्हें छितर मार रहे हैं, ऐसी पार्टी का क्या भविष्य पंजाब में। एक आखिरी सवाल, थोड़ी पार्टी दे विच भी काफ़ी कुछ वेखण नूं मिल रहा है, विधायक जा रहे ने, कहिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा वह नहीं ऐलाना जा रहा है, तक कह रहे हैं कि सारी कमांड दिल्ली वाले ने अपने हाथ च ले ली, पंजाबियों के हाथ कुछ नहीं छड्डिया, जिसकी दिल्ली वाले पंजाबी हैं। दूजी गल, जितने भी MLAs जिनकी टिकट काट दी गई उन्हें इलेक्शन लड़ना है तो किसी और पार्टी में जाएंगे। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ, चन्नी साहब को, कि जो जो MLAs हमें छोड़कर आपकी पार्टी में आए हैं सबको टिकट देना, सबको कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ाना, और अगर आप इलेक्शन लड़ाएंगे उनको तो बहुत अच्छी बात है, तब आप अपने वचन पर, अपने वादे पे खड़े उतरेंगे। सबको टिकट देना जो जो छोड़ के गया आम आदमी पार्टी। मंत्री का चेहरा कब ऐलान कर रहे हैं? बहुत जल्दी करेंगे, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है ये, अनाउंसमेंट कब करनी है। बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, बहुत लेट भी नहीं करनी चाहिए, सही समय पे अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, सही समय पे अनाउंसमेंट होएगी, इस तरह की गल राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए ने। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जां टूटोना, मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुसे नूं मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।